हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट क्लास 12 में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला क्या है, ए मैट्रिसेस आपको गिवन है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारे पास ए दिया गया है, आप सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज जो आपकी रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज। और उसके बाद आपको ए ट्रांसपोज जो है वो मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो ए ट्रांसपोज है आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और ये आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, तो ए हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमें दो मैट्रिसेस आ गई हमारे पास, एक तो ए ट्रांसपोज और एक ए। तो चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई का जो रूल है बेटा, वो रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, जो रो के एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ होगा। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। तो चलिए सॉल्व करिए, हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट रो अगेन सेकेंड कॉलम के साथ होगी, तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, माइनस में हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट रो हमारे पास ये है और दोनों कॉलम के साथ होगी, वो भी साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई प्लस बीच में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप ये देख रहे हैं, आपने ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है वो आपके पास वन के इक्वल होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या डालेंगे वन। और ये देख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस हो गया, जीरो आ गया। अगेन यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, जीरो और वन। तो ये किसकी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ओके, हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास आ गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, तो वो हम करेंगे। सेकेंड पार्ट लिखेंगे आप इसका, ए मैट्रिसेस इसमें भी गिवन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये आपको मैट्रिसेस गिवन है, अगेन आपको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए तो करिए, सेम वैसे ही होगा हमारे पास। पहले तो आप ए ट्रांसपोज ले लेंगे, जो हमारे पास रोज है वो कॉलम में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज, तो आप ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। ये ले लिया आपने ट्रांसपोज, ये आ गया बेटा ए ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के साथ, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो करिए इसको आप सॉल्व। रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम जो इसके एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। बेटा यहाँ पे साइन अल्फा एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक और एक उसकी पावर क्या हो जाती है टू। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अगेन हम करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस हमारे पास
साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन से मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके बेटा, अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, ओके चलिए। और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गया, ये वन आ गया, ये जीरो हो गया, कट हो गया, ये भी कट हो गया जीरो, ये वन, तो ये आ गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ओके बेटा चलिए, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपको ए मैट्रिक्स दी गई है बेटा। आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स है आपके पास 1-1-5, 1-1-5, -1-2-1, -1-2-1, 5-1-3, 5-1-3। ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, आपको ये बोला गया है फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको ये प्रूव करके बताना है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, आपने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसके इक्वल आए। ठीक है, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे वो इसके इक्वल आएगा, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप क्या करके सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसको, हम इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसका जो ए ट्रांसपोज आया इसके इक्वल आया, फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो भी सेम है, थर्ड रो भी सेम है। ठीक है, तो हमने लिखा था इसको रोज को कॉलम में, बट हमारे पास सेम आया, तो आप क्या लिखेंगे हियर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो हेंस ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसमें है 0-1-1, 0-1-1, -1-0, -1-0-1, 1-1-0, ये आपको ए मैट्रिक्स दी गई है। आपको ये बोला गया है क्या ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बेटा आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स का जो आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या थे माइनस ए। ठीक है, उसका ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आए माइनस ए, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आए। तो आप पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, 0-1-1 फर्स्ट रो हमने लिखी, फिर -1-0-1 सेकेंड रो आपने कॉलम में लिखी, 1-1-0 फिर आपने थर्ड रो को कॉलम में लिखा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास हमने क्या किया, इसमें से नेगेटिव बाहर लिया, -1 ले लिया, तो जीरो को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन को अगर हम माइनस से, हमने माइनस लिया यहाँ से तो क्या रह जाएगा, वन रह जाएगा। अगेन बेटा यहाँ पे वन है, हमने माइनस लिया तो फिर यहाँ पे पीछे क्या रह गया, माइनस रह गया, क्योंकि -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, +1 आ जाएंगे आपके पास, इसलिए यहाँ पे -1 रह गया। अब यहाँ पे 1 है तो वो क्या हो जाएगा, -1, 0, अब ये -1 है ये 1 रहेगा, -1 है 1 एंड 1 है तो -1, 0 है तो 0। ठीक है, ओके बेटा क्लियर है। तो हमारे पास आप देखिए ये जो -1 है और अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये ए मैट्रिक्स बन गया 0-1-1,
माइनस वन जीरो वन, वन माइनस वन ए माइनस वन। तो आप माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक के साथ, तो माइनस ए आ गया। तो हमारे पास ए क्या आ गया है, आप लिखेंगे फेयर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास क्यू सी। ओके, थैंक यू।